Hello learners, welcome back to my YouTube channel Fish Tea on Tips. आज हम पढ़ेंगे effects of aquatic weeds on fish production. Aquatic weeds fish production पे कैसे affect करते हैं, उसके क्या reasons हैं और उससे क्या होता है, ये हम इस lecture में पढ़ने वाले हैं. Dense vegetation in fishery water, less fish production. जितना vegetation dense होता जाएगा फिश प्रोडक्शन उतना ही कम होता जाएगा. इसका रीज़न क्या है? ओवर ग्रोथ ऑफ फिलामेंटस एल्गी रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ फिशेस कैन अफेक्ट द फीडिंग. फिलामेंटस एल्गी का ओवर ग्रोथ होना फिशेस में काफ़ी प्रॉब्लम्स पैदा करती हैं. एक तो न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाता है जिसके कारण वो उनको फीडिंग बराबर नहीं मिलती है, और दूसरा उनका सरफेस एरिया भी कम हो जाता है फ्री फ्लोटिंग करने के लिए. देन कैप्चर बाय फिश प्रेडेटर्स इजीली. वेजिटेशन हो जाएगा, फिश फ्लो करेगी, किसी वीड के बीच में फंस जाएगी, तो प्रेडेटर्स का पकड़ना फिशेस को काफ़ी इजी हो जाएगा. देन फ्राई फिंगर लिम्स ट्रैप्ड इन एल्गी मेडाई. जो छोटी छोटी फ्राई और फिंगरलिंग्स होती है वो फिशेस के वेजिटेशन के बीच में फंस जाएगी. हो सकता है वो वहाँ से निकल ही ना पाए, या हो सकता है उसे कोई प्रेडेटर पकड़ ले जिसके कारण वो मर जाती है, जिससे प्रोडक्शन में और कमी हो जाती है. एल्गी चोकिंग द गिल्स ऑफ फिशेस कॉज डेथ ड्यू टू सफोकेशन. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एल्गी फिशेस के गिल्स में फंस जाती है जिसके कारण वो रेस्पिरेशन प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, तो सफोकेशन के कारण फिशेस की डेथ हो जाती है. सरफेस वेजिटेशन शटिंग द सनलाइट एंड गैसेस कॉज फूड प्रोडक्शन इन लोअर लेयर बिकम्स पूर. जैसे कि ये सरफेस है, यहाँ पे वीड्स ने पूरा कवर कर लिया, तो सनलाइट यहाँ से नहीं आएगी, तो जो लोअर लेवल पे जो फिश फूड प्रोड्यूस हो रहा है नेचुरली तरीके से वो नहीं हो पाएगा, ना ही उनको गैसेस एक्सचेंज करने के लिए ऑक्सीजन बराबर मिल पाएगा, जिसके कारण एक तो उनको खाना भी अच्छे से नहीं मिलेगा और उनके रेस्पिरेशन अच्छे से ना होने के कारण सफोकेशन से डेथ हो जाएगी. ऑल्सो कॉज लेस प्रोडक्शन ऑफ प्लैंकटन. प्लैंकटन का भी लेस प्रोडक्शन होता है वेजिटेशन के कारण. एक्सेसिव वेजिटेशन हैम्पर नेटिंग एंड थस फुल्ली ग्रोइंग फिशेस कैन नॉट बी हार्वेस्टेड. जो फुल्ली ग्रोइंग फिशेस रहती है वो काफ़ी फास्ट फ्लो करती है, और जो वेजिटेशन रहता है वो कहीं पे नेट बना लेगा, कहीं पे कोई प्लांट ग्रो हो जाएगा, तो वो फ्री फ्लोटिंग नहीं कर पाएगी, और उससे फ्री फ्लोटिंग नहीं मिलेगी तो वो ब्रीडिंग नहीं कर पाएगी, और ब्रीडिंग नहीं कर पाएगी तो वो मर जाएगी. Deficiency of natural food cause the poor growth and thus less production. Natural food की कमी होने के कारण fishes अच्छे से grow नहीं कर पाएगी. Fishes अच्छे से grow नहीं कर पाएगी तो production तो कम हो गई. Marginal and emergent weeds help to increase the number of predators by providing breeding spots. जो मार्जिनल वीड्स होते हैं वो प्रेडेटरी इंसेक्ट्स जो रहते हैं, जिनको पानी में ब्रीडिंग करना रहता है, उनको जगह देते हैं अपने एग्स रखने के लिए, और जैसे ही वो एग्स फूटते हैं वो छोटी छोटी फ्राइज या फिंगरलिंग्स को खा लेते हैं एज अ न्यूट्रिएंट, जिसके कारण हमारा प्रोडक्शन और कम हो जाता है. तो ये हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्वेटिक वीड्स ऑन फिश प्रोडक्शन. इसकी समरी यही निकलती है कि अगर एक्वेटिक वीड्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है तो हमारा फिश प्रोडक्शन जो है वो लो होता जाएगा. अगर वो एवरेज अमाउंट में है तो वो हमको फ़ायदा भी देता है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में एडवांटेजेस में पढ़ा है. सो, आज के लिए इतना ही. लेट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.